स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा आमतौर पर पूरे देश में कब तक फैलती है? ए मध्य जून, बी जून का अंत, सी मध्य जुलाई, डी जुलाई का अंत। आंसर सी मध्य जुलाई। एक्सप्लेनेशन, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार आमतौर पर मानसून की बारिश केरल में 1 जून के आसपास शुरू होती है और जुलाई के मध्य तक पूरे देश में फैल जाती है, जिससे चावल, मक्का, कपास, सोयाबीन और गन्ना जैसी प्रमुख फसलों की बुआई में मदद मिलती है। अगला प्रश्न, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ए जापान, बी फ्रांस, सी भारत, डी USA। आंसर डी USA। एक्सप्लेनेशन, भारतीय वायुसेना IAF की एक टुकड़ी हाल ही में प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 24 में भाग लेने के लिए अलास्का के एल्सिन एयरफोर्स बेस पर पहुंची। इसका आयोजन 2 फेज में नेवादा में नेलिस एयरफोर्स बेस और अलास्का में एल्सिन एयरफोर्स बेस पर आयोजित किया जा रहा है। साल 1975 से रेड फ्लैग अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न, मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम हाल ही में किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ए जल शक्ति मंत्रालय, बी विदेश मंत्रालय, सी कृषि मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। आंसर ए जल शक्ति मंत्रालय। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम की घोषणा की है। इस प्रोग्राम के तहत रिसर्च स्कॉलर विद्यार्थियों को इंटर्न के रूप में शामिल किया जाएगा। इंटर्नशिप की अवधि 6 से 9 महीने की होगी। इंटर्नशिप कार्यक्रम पूरा होने पर उम्मीदवारों को ₹15,000 प्रति माह का मानदेय और इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 29 मई, बी 30 मई, सी 31 मई, डी 1 जून। आंसर बी 30 मई। एक्सप्लेनेशन, हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष 30 मई को मनाया जाता है। उदंत मार्तंड भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था। उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 को कलकत्ता में हुआ था। इस दिवस के मनाए जाने का उद्देश्य हिंदी पत्रकारिता में योगदान देने वाले पत्रकारों का सम्मान करना है। अगला प्रश्न, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 29 मई, बी 30 मई, सी 31 मई, डी 1 जून। आंसर सी 31 मई। एक्सप्लेनेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू सेवन के खतरनाक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए साल 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने की घोषणा की थी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का थीम बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना है।